आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ आलू के पराठे की बहुत ही डिफरेंट रेसिपी। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक मसाला बनाएंगे। तो मैंने कढ़ाई में लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हींग, 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ सौंफ और 1 चम्मच मैं ले रही हूँ ज़ीरा। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे और इसके बाद पूरे हैंडफुल एक मुट्ठी भर के मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली, रॉ पीनट्स और इसे हम ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 4 हरी मिर्ची, 6 से 8 कलियाँ लहसुन की और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो इसमें ऑयल का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बहुत कम ऑयल में मैं इसको भून रही हूँ। हमें इसका एक सूखी चटनी टाइप बनानी है तो इसलिए मैं इसमें बहुत थोड़े से ऑयल में इन सबको भून रही हूँ। तो हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए या अच्छे से मूंगफली हमारी भून जाए, लहसुन और मिर्ची सब अच्छे से भून जाए, इनमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। तो ये देखिए मैं लो फ्लेम पे करके इन्हें अच्छे से भून लिया। उसके बाद गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया और मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो अभी हमारी कढ़ाई गर्म ही है, मैंने फ्लेम तो बंद कर दिया लेकिन हम इसे अच्छे से ये मिर्ची इसमें भून जाएगी। और इसे देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। और अभी मसाला हमारा अच्छे से ठंडा हो गया, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आप इसे ग्राइंडर में डाल के इसका एक सूखा सा पेस्ट बना लीजिए। तो आप इसे पीसते समय इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल सकते हैं पर ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत करिए। और ये देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और 1 नींबू मैं पूरा इसमें इसका रस डाल दूँगी ताकि ये मसाला थोड़ा चटपटा और खट्टा बन के तैयार हो। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सूखा सा ये हमारी चटनी टाइप मसाला बन के तैयार हुआ है और थोड़ा सा ये क्रंची सा भी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसको मैंने स्मूद नहीं किया है, थोड़ा क्रंची टाइप रखा है इसका टेक्स्चर। तो इसको हम आलू के पराठे में डालेंगे। तो अब मैं ले रही हूँ उबले हुए आलू, मैंने इन्हें 2 से 3 सीटी करके अच्छे से उबाल लिया था और इसके बाद अब इसे मैं अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं पर कद्दूकस करने से क्या होता है कि हमारे जो पराठे हैं वो फटते नहीं हैं और बहुत अच्छे से हमारे आलू के पराठे बनके तैयार होते हैं। ये देखिए आलू मैंने सारे कद्दूकस कर लिए और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मिर्च में डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप देगी मिर्च भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार। और मैं इसमें जो मैंने स्पाइसी चटनी बनाई थी इसको भी मैं 2 से 3 चम्मच डालूँगी। तो आप इसमें नमक थोड़ा सा कम ही रखिएगा क्योंकि जो चटनी है इसमें भी नमक है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डालिएगा। और मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई प्याज, धनिया और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब जो ये जो सूखी मैंने चटनी बना के रखी थी इसको आलू में जब मैं डालूँगी ना तो अब देखिए इसका मसाला बहुत ही एक चटपटा सा क्रंची सा बन के तैयार होगा और जब इससे आप आलू के पराठे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। देखिए आटा गूंथ के मैंने पहले ही रख लिया था। तो आप आलू के पराठे के लिए कोई भी स्टफ पराठा बना रहे हो हमेशा आप बिल्कुल टाइट आटा गूंदें। तो ये देखिए 1 लोई मैंने बना लिया और इस तरह से देखिए हाथों से ही मैं इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी फैला लूँगी, आप बेलन से भी इसे थोड़ा सा बेल सकते हैं। और अब इसमें मैं आलू की पीठी जो मैंने बना के रखी है उसको मैं भरूँगी। तो ये देखिए आप जितनी भी इसमें भर सकते हैं, जितने में आपका पराठा अच्छे से
गल जाए आप उसके अकॉर्डिंग इसमें डाल लीजिए। देखिए मैंने कितना सारा आलू इसमें रखा है, और इसे अच्छे से मैं रोल करके और बेल लूँगी। तो मैं जब भी आलू का पराठा बनाती हूँ मैं इसमें आलू की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखती हूँ, और आटे की क्वांटिटी थोड़ी कम रखती हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारा जो पराठा है बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। और जो ये आटा मैंने गूंदा है इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसको गूंदा है, ज़्यादा नहीं बहुत हल्का सा। और ये देखिए हम अच्छे से बेल लेंगे। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए आलू आपको नज़र आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो आटे की लेयर है वो मैंने कम रखी है और आलू इसमें ज़्यादा स्टफ किया है। तो ये अच्छे से बेल गया है और मैंने गैस पे तवा रख लिया है, गैस ऑन कर दी है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके साइड से पराठा थोड़ा सा फट रहा है तो आप ये देखिए इस तरह से हाथों से उसे प्रेस करके आप उसे बंद कर सकते हैं। और अब पराठे को मैं देखिए एक तरफ से थोड़ा सा जब ऐसे सिक जाए तब इसे पलट दीजिए। और अब मैं इसमें घी लगा के इसे अच्छे से सेक दूँगी। तो आप घी, रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल किसी भी इसमें आप ये पराठा सेक सकते हैं। तो जब भी आप घी लगा के पराठे को सेके याद रखिए उसे बिल्कुल लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम पे ही सेके। उससे क्या होता है हमारा पराठा बहुत अच्छे से सिकता है और बिल्कुल जलता नहीं है और बहुत ही क्रंची सा वो बन के तैयार होता है। आप उसे हाई फ्लेम पर कभी भी ना बनाएं। अब अच्छे से प्रेस कर करके मैं इस पराठे को सेक लूँगी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा ये पराठा हमारा सिका है और बिल्कुल क्रंची सा और अंदर से बिल्कुल आलू से भरा हुआ ये पराठा बनके तैयार होगा। तो आप एक बार इस तरीके से आलू का पराठा बना के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इस पराठे के साथ इसका मसाला इतना अच्छा है कि आपको इसके साथ किसी दही, चटनी, अचार किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही इसे खा लेंगे। और आप इसे सर्व करिए मक्खन के साथ। तो अगर आपको आलू के पराठे की रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।